हाय एवरीवन, द सिविलियन टॉक के इस नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। बिहार भूमि सर्वेक्षण के तहत आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखिए दोस्तों, कि अगर केवाला की ज़मीन है और जिनके नाम से केवाला है वो अब जीवित नहीं है तो उस केस में क्या क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम बताएंगे। बहुत सारा कमेंट आया है हमारे वीडियो के नीचे कि सर, अगर मान लीजिए 2-3 आदमी के नाम से केवाला है और हमको अलग करना है तो क्या करना है, और अगर वो व्यक्ति अब नहीं है तो उस केस में कौन सा फॉर्म भरे, तो वो सारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। 2-3 केस ऐसा भी आपको हम दिखाने वाले हैं जो कि आप लोग जानिएगा तो समझ में आएगा कि केवाला की ज़मीन के लिए किस तरह से फॉर्म भरा जाए, किस तरह से सर्वे में भाग लिया जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि हमारी मेहनत रंग लाई है और फाइनली हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से प्यार बनाते रहिए और आप जो भी आपके आपको ज्ञान की आवश्यकता है, जो भी सर्वे के रिलेटेड या सिविल से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, वो सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, देखिए ये जो हमारा केवाला है, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए कुड़ेसा खातून के नाम से ये केवाला है, लेकिन अब ये रही नहीं। इनके जो पति थे, जोजे मतलब पति मोहम्मद इस्लाम कौम थे, जो अब ये जीवित नहीं हैं। तो अब देखिए, अब जब जीवित नहीं है, अगर जीवित रहती कुरेसा खातून तो कुरेसा खातून के नाम से ही फॉर्म फिलअप होता और उनके नाम से सर्वे हो जाता, बट अभी क्या है कि कुरेसा खातून जीवित नहीं है। उस केस में देखिए उनके जो वंशज होंगे, अब उनके जो वंशज, जैसे कि हम प्रपत्र 2 भरना आपको हम बताए थे पहले ही कि अगर केवाला वाला ज़मीन है तो सिर्फ प्रपत्र 2, लेकिन अब केवाला वाला ज़मीन है लेकिन जिनके नाम से केवाला है वो अब जीवित नहीं है, तो प्रपत्र 2 के साथ हमने प्रपत्र 3 भी इनसे भरवा के लिया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब देखिए प्रपत्र 2 किस तरह से भरा गया है। कुड़ेसा खातून तो अब स्वर्गीय हो गई, उनके नाम से ज़मीन था। अब इसके अंश में देखिए मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद शमशाद आलम हैदर और जो भी है, और इनके साथ नीचे में देखिए इनका पुत्री भी है। मतलब ये हुआ कि अब इनके वंश में 5 उनके सुपुत्र हैं और सुपुत्री हैं, और 5 के नाम पे इनको ज़मीन देना है। तो अब जैसे एक फॉर्म के अंदर 5 का नाम डाल दिया गया, इसका मतलब क्या है कि अब जो जितना भी ज़मीन है कुरेसा खातून के नाम से, जितना भी केवाला हुआ था, वो सारा केवाला वाला ज़मीन अब ये 5 के नाम पे स्वतः आएगा। ठीक है, उसके लिए एक वंशावली भी इन्होंने बना के दिया है, वो आपको मैं आगे दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अगर मान लीजिए कि अभी एक फॉर्म के अंदर 5 का नाम डाला गया है तो हमने इनका संयुक्त खाता खोलना है, बट अगर ये लोग चाहते कि अगर हमको अलग अलग खुलवाना है तो उस केस में क्या है कि अलग अलग, जैसे कि आफ्ताब आलम है उनके नाम से अलग फॉर्म, मोहम्मद अख्तर है उनके नाम से अलग फॉर्म, मोहम्मद सम, मतलब कि अलग अलग आदमी के नाम से अलग अलग फॉर्म भरा जाता है, और सारा डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पर लगाया गया वंशावली वगैरह वो सारा चीज़ वो करके देता, बट यहाँ पर एक साथ दिया है, मतलब कि उनका ज़मीन पर बंटवारा नहीं हुआ है, इस कारण से इनका संयुक्त खाता ही खुलेगा। अलग अलग कब खुलेगा, जब आपने ज़मीन पर बंटवारा किया हो, और एक शेड्यूल आप दीजिएगा उस टाइम जो है ये आपका अलग अलग खाता खुलेगा। तो ये इस तरह से हो गया। देखिए प्रपत्र 2 भर दिए, प्रपत्र 3 देखिए, प्रपत्र 3 भी आपको भरना ही भरना है। क्यों भरना है, क्योंकि ये अब पूर्वज का ज़मीन। देखिए प्रपत्र 3 में क्या है, सारा आदमी का नाम भर दिया गया जो भी है इनके वंश। उसके बाद ये जो प्रपत्र 3 का दूसरा फॉर्मेट है किस तरह से, देखिए प्रपत्र 2 के आधार पर, ये हम आपको पहले भी भरना सिखाए हैं कि प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 कैसे भरते हैं, उस पर हम विशेष डिस्कस नहीं करेंगे। अब एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं कि वंशावली इसका किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका जो वंशावली है, स्वर्ग कुरेसा खातून के नाम से ज़मीन था, उनके पति जो थे मोहम्मद इस्लाम वो भी अब नहीं रहे, उनके जितने भी सपुत्र हैं उनको दर्शा दिया गया है और वो सभी जीवित हैं। ठीक है, वो सभी जीवित हैं, तब उनके नाम से ज़मीन चल गया। एक और केस मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा केस है हमारा, इसी मोजे का है, मैं आपको नॉलेज पर्पस से बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। ये देखिए इस केवाला के अंदर क्या था कि सोमर दास जो है उनके नाम से ज़मीन था। ठीक है, अब क्या है, सोमर दास जीवित नहीं रहे, लेकिन सोमर दास के टोटल कितने 9 पुत्र और पुत्री थे, मतलब टोटल कुल मिला के उनके 9 वंशज हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन लोगों का भी बंटवारा आपस में हुआ नहीं है, शेड्यूल बना नहीं है, तो इन लोगों को भी संयुक्त खाता खोलना है। देखिए इन लोगों को भी संयुक्त खाता खोलना है, इसलिए क्या किया गया, प्रपत्र 2 को संयुक्त, देखिए 9 आदमी का नाम यहाँ पे दिया गया है। इसमें आप गौर से देखिएगा तो एक जगह अनीता देवी लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
ये सारे भाई थे, लेकिन ये जो इनका भाई है धर्मेंद्र दास वो अब जीवित नहीं है। तो जब जीवित धर्मेंद्र दास नहीं है तो स्वतः उनका जो जमीन होगा, उनके हिस्से का जो जमीन होगा वो अनिता देवी के नाम पे जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अनिता देवी लिखा गया। एक जगह और आप गौर कीजिएगा, 9 नंबर में मुकेश कुमार पिता स्वर्गीय उज्ज्वल दास, मतलब क्या ये उज्ज्वल दास इनके भाई हैं बट वो अब नहीं रहे और उनकी पत्नी भी नहीं रही, लेकिन उनके बेटा है, लेकिन ये बेटा छोटा है, फिर भी उनका जो हिस्सा का जमीन होगा वो इनके नाम पे जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किस केस में, जब आपको संयुक्त खाता खुलवाना है आपके पिता या आपके माता जी के नाम पे केवाला हो अब नहीं रही है। देखिए ये प्रपत्र 2 था और प्रपत्र 2 के साथ हमने प्रपत्र 3 भी भरवा के लिया है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप वंशज या पूर्वज की ज़मीन को आप अपने नाम पे करवाना चाहते हैं तो प्रपत्र 2 के साथ प्रपत्र 3 तो आपको भरना ही भरना होता है। तो ये सारा चीज़ें जो है कन्फ्यूजन लोगों के अंदर है किस तरह से इस चीज़ को किया जाए। तो एक बात और क्लियर कर देते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि केवाला 2-3 आदमी के नाम से है, ठीक है, और वो तीनों के तीनों जीवित हैं और आप चाहते हैं कि तीनों अभी संयुक्त खाता खोलें, तो आप एक फॉर्म यानी कि प्रपत्र 2 में तीनों का नाम डाल के आप सर्वे करवा सकते हैं। बट अगर चाहते हैं कि आप तीनों अलग अलग अब करवा लें तो अलग अलग प्रपत्र 2 भर के आप लोग दे दीजिए, उससे होगा क्या आपका अलग अलग खाता खुल जाएगा, ठीक है। बट शेड्यूल एक होना चाहिए ताकि पता चले कि कौन सा ज़मीन किसके दखल में है, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ हमने वहाँ पे दिखाया उसी का यहाँ पे वंशावली है, तो वंशावली मस्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए जो रैयत के नाम से केवाला है वो अब जीवित नहीं है तो उस केस में आपको एक वंशावली देना ही देना है। तो इस तरह से आपको वंशावली बना लेना, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा, हेल्प मिला है तो आप हमको थम्सअप कीजिए और इस तरह से ज्ञान भरे वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके मन के अंदर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।